हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की वीडियो है पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। ओके, ये हम देखेंगे कि क्या आपके कोई पास्ट से आ रहे हैं या फिर कोई न्यू इंसान है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कौन आने वाले हैं आपके लव लाइफ में बहुत जल्द, और टाइमिंग भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपना नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपका नेम AIDCJMFOSUVXY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप वन या पाइल वन चूज करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज करना है। देख लीजिए आपका नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है। यह है ग्रुप वन पाइल वन, यह है ग्रुप टू पाइल टू, और उसे आप चूज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने पाइल वन या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCFMOSUVX या वाई से शुरू होता है तो हम देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, आपके नेक्स्ट लवर कौन होंगे, क्या कोई पास्ट से होंगे या एकदम न्यू होंगे, या फिर किस तरीके इंसान होंगे, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं गाइस। ओके, हमारे पास है 10 of Swords, जजमेंट इन रिवर्स, 3 of Swords। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Swords, एम्प्रेस। बॉटम डेक से हमारे पास है 10 of Pentacles। सो आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइंस की बात करती हूँ मैं। यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एंड हमारे पास सजिटेरियस एंड लीब्रा थोड़ा ज़्यादा है। ओके, ये कुछ साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन में सजिटेरियस की एनर्जीज हैं। ओके, थोड़ा बहुत पाइशीस एंड स्कॉर्पियो की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है, देखिए मुझे दिख रहा है रिसेंटली आपका या तो ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग मैरिज टूटी है, या फिर मैरिज में कोई इशू आया है। ठीक है, आपके मैरिज में कोई चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है, म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है, या फिर बहुत पेन मिला है आपको किसी कनेक्शन से, किसी पर्सन से। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप करंटली किसी पर्सन को लेकर जजमेंटल हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे या जिसके लिए फील करते थे वो इंसान सही नहीं है, या फिर किसी आप एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ना कुछ अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वो शायद गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपने हो सकता है पहले सोचा था कि ये डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन आपको धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट इंसान है। ठीक है, हो सकता है आपने इनको लाइफ पार्टनर मान भी लिया है, अभी भी मानते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं चल पाएंगी फ्यूचर में। ठीक है, आप दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जजमेंटल थॉट्स हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप शायद ऐसा सोचने लगे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है पेन मिला हो, और आपके लव लाइफ में देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई पास्ट से ही आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली हो सकते हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं वही आपके लाइफ में वापस आए, उनके साथ आपकी कनेक्शन ठीक हो, शुरुआत हो। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट से जो भी आपने पेन झेला है, जो भी सेपरेशन आप झेल रहे हो, कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से हुई है। ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के वजह से हुआ है, मदर इश्यूज के वजह से हुआ है, या फिर किसी के
फ्रेंड्स वगैरह की वजह से या फिर जस्ट आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी इंसान ने आपको हो सकता है पास्ट में हर्ट किया है, ठीक है, पास में आप दोनों का अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, इन द सेंस कि आप दोनों को क्लैरिटी नहीं मिल पाई इस कनेक्शन को लेकर, वही इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अपनाओगे या नहीं, लेकिन आपके लव लाइफ में मुझे पास्ट लवर ही रिटर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर जो हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स थी वो आकर चीज़ों को ठीक करते हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली बहुत पेनफुल वाली एनर्जी में आप दोनों ही कहीं ना कहीं हैं, और अभी जो है स्टैग्नेंसी आ चुकी है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों फेथ भी रख रहे हो बट एट द सेम टाइम नेगेटिव भी होते हो, तो इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की ना हीलिंग नहीं हो पा रही है, और आपके लव लाइफ में तब तक कुछ नहीं हो पाएगा जब तक हीलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों ही हील करोगे, ठीक है, आप अपने आप को हील करेंगे, वो अपने आप को हील करेंगे, पास्ट के इश्यूज़ को या फिर जो भी एक दूसरे को जज करने वाली एनर्जी है उससे आप दोनों रिलीज़ करोगे, एंड देन जो है फिर चीज़ें ठीक होंगी, यानी इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे। ओके, ये एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली कोई पास्ट से ही आपके लाइफ में लौट रहा है जिनके साथ आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई, आपने बहुत कुछ सोच लिया, आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ सोच लिया। ओके, और अब एक फ्रेश स्टार्ट होगा। यहाँ पर 1111 है, 333 है। ओके, सो या मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी से सच्चा मोहब्बत करते हैं लेकिन कनेक्शन में आपको पेन मिला है तो वो इंसान हो सकते हैं लौट के आपसे अपोलॉजी चाहे, आपको अप्रोच करें, आपको स्टेबिलिटी देना चाहें, आपको कमिट करना चाहें, ये चीज़ डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ शादी फिक्स हुआ था फैमिली के थ्रू, लेकिन फिक्स होने के बाद हो सकता है रिश्ता टूट गया या फिर सामने वालों ने मना कर दिया, तो वो इंसान फिर से लौट रहे हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करके मैरिज करने के लिए। और अगर आप लोग बिल्कुल एकदम ही सिंगल हैं, लाइक आप लोगों के लाइफ में कोई नहीं है, पास्ट में भी कोई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अभी आपका टाइम जो है हीलिंग का है, अभी आपका जो टाइम है खुद को टाइम देने का है, अभी आपको जो है आपको एक बेटर वर्जन बनने का टाइम है, अभी आपको किसी तरह के रिलेशनशिप में आने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, कोई भी आपके माइंड में आपके लाइफ में पास्ट में कोई लवर नहीं है, ओके, बिल्कुल आप पहले से सिंगल हैं, एक भी कनेक्शन आपका नहीं रहा है किसी के साथ, तो ये जो वक्त है वो आपका मुझे दिख रहा है कि खुद के प्रोग्रेस करने का वक्त है, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट का वक्त है, और अभी जो है आपको लव वगैरह में फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि इस वक्त जो है आपको खुद को हील करना है, खुद के करियर में फोकस करना है और खुद को एक बेटर वर्जन बनना है। ओके, देख लेते हैं कार्ड्स। आइसोलेशन, डेफिनेटली ये कोई इंसान है जो आपके बगैर बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इस पर्सन के साथ आपका कभी ना कभी कोई तो कनेक्शन रहा है, या तो आप रिलेशनशिप में थे या सिचुएशनशिप में थे, या फिर इस तरीके के कनेक्शन में थे कि आप दोनों फील करते थे बट एक दूसरे को बोल नहीं पाए, झगड़ा बहुत होता था, कमिटमेंट नहीं था बीच में। ओके, तो ये इंसान आपकी तरफ लौट रहे हैं बिकॉज बहुत ही अकेले इन्होंने रह लिया है, अब जो है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ जल्द से जल्द चीज़ें ठीक हों। परसेप्शन इन रिवर्स, देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आप दोनों के हो सकते हैं एक तरह के मेंटालिटी बन चुकी है जहाँ पे आप दूसरे के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना नहीं चाहते, आपके पर्सन दूसरे के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जो मेन रीज़न बन रहा है आप दोनों के बीच का सेपरेशन का। प्यार यहाँ पर बहुत है, आप दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, ठीक है, केयरिंग वाली एनर्जी भी बहुत है, लेकिन बात वहीं पर अटक रही है कि आप दोनों की मेंटालिटी में फ़र्क है, पर्सपेक्टिव में फ़र्क है, और दोनों आप दोनों जो है ना लाइक एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, जो कि मेन रीज़न बन रहा है आप दोनों की दूरियों का। वो चीज़ यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है धीरे धीरे। रिजेक्शन, ओके, सो कोई इंसान है, डेफिनेटली मैंने कहा इनको रिजेक्शन का फियर है, रिजेक्शन फोबिया है, या आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने मना कर दिया, अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये किसी भी हाल पर रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ये ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, और डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान कोई पास्ट से है, आपके पास्ट लवर, पास्ट क्रश, कोई फ्रेंड, इम्पास,
तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये इंसान जो है किसी को भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सप्रेस करते हैं किसी को और वो इंसान जो सामने वाला है वो अगर इनकी वैल्यू नहीं करता तो ये इंसान ना बहुत अंदर से टूट जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन के डर से कुछ स्टेप नहीं उठा रहे हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है परसीवेरेंस। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की, या फिर हो सकता है कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश की किसी ने। ओके, एंड वो उनकी बातों को सुनकर उन्होंने एक जिद बना लिया कि हाँ दूसरों ने हम दोनों के कनेक्शन के बारे में नेगेटिव चीज़ें कही तो सही है, दूसरे जब बोल रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई तो बात रीज़न ज़रूर होगा, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और उसी बात को मान को हो सकते हैं उन्होंने एक ज़िद बना ली कि ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, चाहे कोई भी मुझे समझा दे ये कनेक्शन बिल्कुल भी इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे ज़िद में ये इंसान आ गए होंगे एक वक्त में, लेकिन अब जो है इस इंसान की अब ज़िद बन रही है कि इनको आपके पास वापस आकर आपके साथ इनको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और ये आपको आपके साथ अपना एक लाइफ फॉर्म करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो पाएगी या नहीं। ये कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हैं आपके लिए, ट्रस्ट मी, ये इंसान जो भी हैं ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कोई पास्ट से है। अब हो सकता है कि आपने इनको पहले रिजेक्ट किया हो, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज किया था या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनको नहीं अपनाया, ठीक है। लेकिन फिर से ये इंसान जो है एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, क्योंकि ये सही में दिल से आपको चाहते हैं चाहे जो भी सिचुएशन हुआ हो। ओके, और अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, कोई नहीं है लाइफ में, माइंड में, तो आपको जो है अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने अपना एक जो है ना लिस्ट तैयार कर रखा है कि मुझे ऐसा 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 सारी क्वालिटीज़ वाला एक इंसान चाहिए, और जब तक सारी की सारी क्वालिटीज़ मैच नहीं होती मैं या फिर नहीं होता मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। सो ये जो परसेप्शन आपने बना कर रखा है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज हर एक इंसान में हर एक क्वालिटीज़ नहीं होती है और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम पूरे तरीके से एक एक क्वालिटीज़ ढूंढने जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैग ज़रूर करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा तभी आपके लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हो पाएगा, और एल्स जो है आपकी डिलेज आती रहेंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो चलिए देख लेते हैं कि जो भी इंसान आ रहा है उसके साथ उनके साथ आपका कनेक्शन क्या होगा, या फिर आप कुछ आगे बढ़ पाएगा नहीं। ये तो हमने देख लिया कि कौन इंसान आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो हो सकता है इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 6 हो या फिर जून मंथ इम्पोर्टेंट हो। पेशेंस नंबर 16, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल नंबर 38, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, विक्ट्री नंबर 28, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। सो देखिए ये इंसान जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके, ये इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। इस इंसान के साथ कुछ लोगों का यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आए एंड देन इन्हीं के साथ आपकी मैरिज लिखी हुई हो, ठीक है। तो आपके ये डेस्टिन पार्टनर बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। बट हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कर्मा जुड़ा हुआ है जिसके वजह से इतने प्रॉब्लम्स, इतने स्ट्रगल्स आ रहे हैं बीच में। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है, अगर ये पास्ट से है जैसे मैंने कहा, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, इनके साथ अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आप इस कनेक्शन में पेशेंस रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे तो बेहतर होंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आपके दिल में प्यार है या फिर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली जो है पेशेंस रख सकते हो, बिकॉज पेशेंस से आप दोनों की कनेक्शन बेहतर होगी। प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आपको कनेक्शन में जो है ना विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और जो इंसान या फिर आप जो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और समझ नहीं आता है कि रियल लव है या नहीं, वो आपको समझ आएगा, ब्लॉकेजेस हटेंगे। ये जो भी इंसान है ये दिल से आपके पास आएंगे, ठीक है, अब जेन्युइन इंटेंशंस, जेन्युइन फीलिंग्स के साथ ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे और खुल के अपने दिल की बात आपसे करेंगे, अगर ये आपके पास लवर रह चुके हैं।
ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली चॉइस आपका होगा, लेकिन अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर अपनाते हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में आएगी और आपके लव लाइफ में आपने जो भी चाहा है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो ये जो है ना प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन में, मुझे बार बार नज़र आ रहा है, ठीक है। और एंजल्स आप दोनों के कनेक्शन को कुछ नहीं होने देगी। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि पास्ट का ही कोई है जिनके साथ आपके अटैचमेंट्स हैं या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया था किसी भी वजह से, ओके ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं और भी कुछ फीचर्स ताकि आपको थोड़ा सा और भी क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज़ हैं, लिब्रा की भी एनर्जीज़ हैं, ओके ओके रैंडमली मैं पिक कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोमिनेंट आइज़, तो इस इंसान की आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं या फिर आइज़ बड़े हो सकते हैं। रिच एंड स्टेबल हो सकते हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, लाइफ में स्टेबल है बहुत ज़्यादा करियर में। टॉरस और लीब्रा, तो ये इनके साइंस, आपके साइंस या आप दोनों कपल हो सकते हो टॉरस एंड लीब्रा के। ग्राउंडेड एनर्जी है इस पर्सन की। एल्डर, तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप एल्डर होंगे या फिर वो एल्डर हो सकते हैं आपसे। बॉडी बिल्डर, तो हो सकता है ये इंसान जिम फ्रीक हो या फिर इनको योगा जिमिंग वगैरह का शौक हो। अरेंज मैरिज, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अरेंज मैरिज प्रपोजल था जो टूट गया था या फिर कुछ स्टेगनेंसी थी, ठीक है, तो वो चीज़ भी ठीक होगी। ब्यूटीफुल, ये इंसान इन एंड आउट ब्यूटीफुल होंगे, अंदर से भी बाहर से भी। डॉक्टर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, नर्स, डेंटिस्ट, कुछ भी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल वन। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपने पायल टू या फिर आपका नेम BEGKHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, कोई पास्ट से हैं या बिल्कुल न्यू हैं, या फिर अगर आप सिंगल है पूरी तरीके से तो कौन आ सकता है आपके लाइफ में। सो ये एक टैम्बलो चुनर रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक्स हमारे पास है द लवर्स, ओके। सो जो यहाँ पर साइंस है यानी कि जो राशियां हैं वो है फायर साइन एरीज लियो स्टेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड वी हैव स्कॉर्पियो, ओके। ये कुछ साइंस हैं जो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, ओके। सो आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है, देखिए पाइल टू आपके पास चॉइसेस हैं, ओके। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ऑलरेडी प्रेजेंट लाइफ में आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, एंड हो सकता है रिसेंटली आपने ब्रेकअप किया है किसी से सेपरेशन हो गया है आपका, या फिर आप किसी से मूव ऑन होना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है चॉइसेस हैं आपके लाइफ में और एक से ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं आपके लव लाइफ में आपको अप्रोच करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करने के लिए। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिससे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि
कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जो ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद हैं, जिनके साथ हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, आपके ऑनलाइन क्रश हो, या फिर कोई ऑनलाइन मिला हो जो आपको क्रश मानता हो, एंड हो सकता है उनके साथ आप बहुत कैजुअल हैं, हो सकता है आप बस पसंद करते हैं, आपको बस अच्छा लगा उनसे बात करके या अट्रैक्शन हुआ, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिनसे आप ऑनलाइन मिले हैं या ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपको चाहते हैं बट आप एज सच इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्सन में। आपको पता है कि वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको पसंद करते हैं, बट आप एज सच इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको नहीं लगता कि इस पर्सन में कोई पोटेंशियल है कि आपके साथ कोई कनेक्शन फॉर्म करे और फ्यूचर आप दोनों का कुछ बन पाए। तो कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो कि न्यू इंसान हो सकता है, जिससे हाल ही हाल मिले हैं, ठीक है, लाइक ऑनलाइन मिले हैं या किसी इवेंट्स में मिले हैं, ओके, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़े हों या फिर आपसे छोटे हों, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसे इंसान है जो आपके लिए फील करते हैं, वो आपको इन द कमिंग फ्यूचर अप्रोच करने वाले हैं, बट मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपको पता है कि वो इंसान आपको आपके लिए फील करते हैं, बट आपको ऐसा सच कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। तो पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास से कोई आ रहा है, या आपके कोई एक्स, ओके, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई सिचुएशनशिप था जो बहुत ज़्यादा क्लोज रफ था, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहता था या रहती थी, ठीक है, जिन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप ब्लॉक्ड हैं, या फिर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, वाइस वर्सा। तो कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपने हो सकता है ठान लिया है कि आप जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है, एंड आपने हो सकता है सोच भी लिया है कि आपको एक पर्सन से मूव ऑन करना है। तो मुझे दिख रहा है कि वो पास्ट के इंसान भी आपकी तरफ लौट रहे हैं, जो हो सकता है कि आपसे रूडली बिहेव करते थे, या फिर आपके ट्राई करने पर भी उस पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी, ओके, एंड उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर किया, एंड वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप आ रहे हैं, ठीक है, एक चांस मांगने, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पाइल टू, आपने जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ किया है, हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं लव लाइफ को लेकर, और अब जो है ना, आपने एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं छोड़ दिए। हालांकि आपको पता है कि आपको ट्रू लव लाइफ में मिलेगा, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए, किसी कनेक्शन के लिए लड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप एफर्ट्स डालने जाएंगे, जब भी आप मेहनत करें किसी पर्सन के लिए, जब आप अपने किसी एक पर्सन के लिए जो है उन्हें एक्सप्रेस करवाएंगे, ठीक है, उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे और उनको जताएंगे कि आप उनको कितना चाहते हैं, उतना ये इंसान आपसे दूर जाएंगे। तो आपको हो सकता है ऐसा बन चुका है, हो सकता है पास्ट में अपने जिनके साथ भी कनेक्शन में आए हो आप, उन्होंने हो सकता है कि आपको वैल्यू नहीं करी, ठीक है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, या फिर आपने बहुत बार मेहनत की कि कनेक्शन चल पाए, लेकिन किसी भी तरीके से ये नहीं चला, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना, आप बहुत ज़्यादा बर्डेंट हैं, और आपको पता नहीं है कि अभी लव लाइफ में आपका ऐसा सच करना क्या है। आपको चाहिए, आप चाहते हो कि लव लाइफ में कुछ शुरुआत हो, एक सही इंसान मिले आपको। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आपको बहुत टेंशन है किसी पास्ट पर्सन का कि वो नहीं आया तो कोई नहीं, ठीक है। आपको ऐसा है कि भले ही पास्ट का कोई आए या फिर कोई न्यू आए, लेकिन जो भी आए रियल लवर, ट्रू लवर आए, डिवाइन लव आए, ठीक है। तो आपकी ऐसी मेंटालिटी है, और आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर चॉइसेस ही चॉइसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर दो इंसान आने वाले हैं, एक इंसान आपके लाइफ, दोनों इंसान ही आपके लाइफ में प्रेजेंट में हैं, एक के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, एक के साथ आप फीलिंग्स रखते थे लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर एक पर्सन की इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है आपका कनेक्शन टूटा, और दूसरा इंसान जो कि न्यू है, जिनके साथ हो सकता है आपकी न्यू बातचीत स्टार्ट हुई है, या फिर ऑनलाइन जस्ट मिले हो, ठीक है, या फिर हो सकता है बातचीत भी स्टार्ट नहीं हुई है, बस आप दोनों एक दूसरे के पोस्ट वगैरह लाइक करते हैं, ठीक है, या फिर किसी इवेंट में आप लोग मिले हो दूर से, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, देन हो सकता है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हो। सो ऐसा कोई इंसान मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही आपके लाइफ में आएंगे, एंड देन आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखेंगे आपके लिए, बट आप कहीं ना कहीं हो सकता है कन्फ्यूज रहो, और इसे चूज़ करने में आप कन्फ्यूज हो जाओ कि मेरा ट्रू लवर कौन है, ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आपके लव लाइफ में अल्टीमेटली आपको वही पार्टनर मिलेगा जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल आए, आपको दिक्कत आए, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको जो है इग्नोर किया, ठीक है, घोस्ट किया आपको, या फिर आपको ब्लॉक किया, हो सकता है वो आपके ट्रू लवर हो, ठीक है, हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इंसान आपके लिए न्यू है,
ठीक है, वो आपके रियल ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद पास्ट वाला ही मेरा रियल लवर था बिकॉज मैं इसके लिए फील करती थी या करता था, बट सामने वाले के लिए तो मैं कुछ नहीं फील कर पा रही हूँ, तो वो मेरा ट्विन फ्लेम सोलमेट कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही दुविधा आपके लव लाइफ में रहने वाली है, कन्फ्यूजन रहने वाला है और आपको समझ नहीं आएगा कि किसे चूज़ करें किसे नहीं, या फिर दोनों को ही चूज ना करें और आगे बढ़ जाएं किसी और के लिए। ठीक है, तो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। लेकिन हाँ, एक इंसान पूरी तरीके से न्यू है जो करेंटली आपसे मिला है या न्यू मिले हो, और कोई जो है वो जो पास्ट लवर है जिनके साथ आपका किसी तरीके का सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, हो सकता है मैरिज भी रही हो, मैरिज टूट गई हो, ठीक है, एक पूरी तरीके से ऑफिशियली, एंड फिर से ये इंसान लौट रहे हो, ठीक है, कुछ पछतावा इनको हो एंड देन ये लौटें। बट यस, यू हैव चॉइसेस। ओके, सो हमारे पास है इम्पास। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा और शुड आई से क्लोज्ड ऑफ था, लाइक हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ट्राई करी हो, ओके, लाइक इस पर्सन को पाने की या इनके साथ कनेक्शन ठीक करने के, लेकिन इस पर्सन ने जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बातें नहीं सुनी, और आप जो है मूव ऑन करना है आपने बेटर समझा, आपने सोचा कि चलो मूव ऑन करते हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में पड़े रहने से। एंड जब आप मूव ऑन करने लग गए, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से आपने मूव ऑन कर लिया या फिर किसी और को डेट करने लग गए, तभी हो सकता है ये इंसान आ जाए। फॉरगिवनेस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी चाहता है, ठीक है, जिनके साथ हो सकता है आपके बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, फिर जिन्होंने आपको दुख दिया है बहुत, और ये आपके तरफ वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ही वो रियल पीस है जिसके तलाश में ये है। ओके, एक्सपेंशन। ओके, यस, कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, हो सकता है आप दोनों ने फ्यूचर भी देखा था साथ में, लेकिन बीच में कनेक्शन टूट गया, हो सकता है आपने सोच भी लिया था कि शादी वगैरह करेंगे, घर बसेगा, सब होगा, लेकिन हो सकता है उस पर्सन ने बीच में ही रिश्ता तोड़ दिया, तो आपको भी ऐसा लगा कि चलो अब सपने देखने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी में आते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इंसान जो है अब आपके तरफ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहेंगे, रिलेशनशिप को फॉर्म करना चाहेंगे, बिकॉज इनको हो सकता है कि इनके अंदर बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इनको समझ आ चुका है आपकी वैल्यू। ये इंसान ये भी हो सकते हैं जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये सेल्फ वर्थ इश्यूज दोनों पार्टनर्स को ही होने वाले हैं, मतलब पास्ट के लवर को भी और जो न्यू इंसान मैंने बताया, इन दोनों को ही हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही आपको जो है अप्रोच नहीं कर पाते, इनको ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग है या नहीं। हो सकता है आप ऑलरेडी फेमस वगैरह हैं या फिर लाइफ में आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इन जस्ट आपके पर्सनालिटी देखकर इनको जो है डर लगता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ये, ठीक है, तो इन दोनों को ही थोड़ा सा डर है और इन दोनों को ही टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, लेकिन ये दोनों आएंगे और आप तब कन्फ्यूज रहोगे, ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं गारंटी। और हम देखते हैं परसिवियरेंस। सो देखिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना कि देखिए ये जो कार्ड है ये मुझे न्यू इंसान के लिए आ रहा है, ये जो इंसान है ना इन्होंने एक जिद बना ली है कि आपको पाकर रहेंगे, ठीक है, कैसे पाएंगे इनको नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्टेड है आपके तरफ, ठीक है, न्यू वाले जो इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, फिलहाल के लिए प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ये तो मुझे नज़र आ गया कि आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं, ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ रहेगी कैसे, दोनों के आने के बाद क्या होगा। एक्शन, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फिल्म जर्नी में हैं आप लोग, ओके, एंड हो सकता है कि रनर चेजर वाला सीन चल रहा है बार बार, और आपके अगर ट्विन फ्लेम है ये सही में तो ये लौट रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, लेकिन साथ में आपके लाइफ में कोई और भी आ रहा है और हो सकता है प्रेजेंट में आप उन्हें जानते भी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सीक्रेट एडमायरर हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोगों की बातचीत हुई है। डोर टू वैल्यू, ब्रोकन हार्ट, यस, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता होगी एंड आपका फिर से कनेक्शन स्टार्ट होगा। सिक्स चक्र, आर्कएंजल यूरियल, नंबर 41, विक्ट्री, नंबर 28, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। सो ये जो भी इंसान आ रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं ये, ठीक है, और अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन होगा आपका अगर कोई भी स्टेगनेंसी थी, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जब यही दोनों आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, तब आपको ना
एंजल्स की तरफ से जो है गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको किसे चूज़ करना है या फिर दोनों को ही चूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको दोनों से ही क्लैरिटी मिल जाएगा और आप समझ जाओगे कि आपके लव लाइफ में आपको क्या चाहिए और आपको किसे चूज़ करना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसे चूज़ करूँ या ना करूँ। जैसे ही ये दोनों आएंगे उसके बाद आपको क्लैरिटी एंजल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा अलाइंट है एंजल्स के साथ एंड आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको बताएंगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पास्ट लवर को एक्सेप्ट करेंगे, ओके, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जो है किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए टाइम लेंगे और अपना फोकस अपने करियर वगैरह में ही लगाएंगे और दोनों को ना भी नहीं कहेंगे हाँ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर पिक हो रही है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। बट हाँ, ये दोनों ही इंसान आपको प्रॉपरली खुल के आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल की बातों को कहेंगे। सो पास्ट लवर भी आ रहे हैं और न्यू लवर भी आ रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल, आपके माइंड में कोई भी नहीं है, लाइफ में कोई भी नहीं था पास्ट में, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो प्रेजेंट में आपके लाइफ में मौजूद है, जो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर ऑनलाइन जस्ट मिले हो या किसी इवेंट में मिले हो रिसेंटली, एंड उनके साथ आपकी चीज़ें बढ़ेंगी लव लाइफ में, लेकिन जो है ना मतलब थोड़ा सा इन एंड आउट हो सकता है या फिर हो सकता है कन्फ्यूजन रहे आपको। तो ये सबके लव लाइफ में जो है चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। ठीक है, और हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो अगर आप सिंगल हैं पूरी तरीके से। तो ठीक है, चलिए कुछ और भी फीचर्स हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के और भी कुछ फीचर्स, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, ओके, इसे भी ले लेंगे। ओके, वन मोर, ओके, लेट्स सी। हमारे पास है फेयर, तो इस पर्सन की फेयर कम्प्लेक्शन हो सकती है। बॉडी बिल्डर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक हो ये, ठीक है, या बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो। ऑलरेडी देयर, यस, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट में ये इंसान है दोनों के दोनों ही, कोई फ्यूचर से मुझे नज़र नहीं आ रहे। सोलमेट, तो सोलमेट्स हो सकते हैं, ओके। वेल्थी एंड रिच, हो सकता है कोई एक आपका सोलमेट हो, ट्रू लव, ओके, ट्रू सोलमेट हो आपका, और वो हो सकता है बहुत ज़्यादा वेल्थी एंड रिच हो ऑलरेडी लाइफ में, हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो ऑलमोस्ट। रोमांटिक लवर, ओके, रोमांटिक हो सकते हैं। ट्रू लवर, वाओ, सोलमेट, रोमांटिक लवर, ट्रू लवर, और क्या चाहिए आपको, वाओ, अमेजिंग। रॉयल, तो हो सकता है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इनकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रॉयल हो या फिर अपने आप को ये बहुत ज़्यादा रॉयल तरीके से कैरी करते हों। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कोई न्यू इंसान की हो सकती है वाइब्स। कुछ लोगों के लिए एक्स लवर भी हो सकता है, अरेंज मैरिज, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है कि हुआ था या फिर प्रपोजल के पास प्रेगनेंसी थी या कुछ। फ्लर्ट, तो हो सकता है आप दोनों की चीज़ें फ्लर्ट से शुरू हो फिर से, या न्यू जो इंसान है उनके साथ हो सकती है कि आपकी फ्लर्ट हो पहले। पाइशियस एंड कैंसर, तो इस पर्सन की साइंस हो सकती है या फिर आपकी, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, चू।